बम्बई का चलाया हुआ प्रातः क्लास है, शनिवार 26 अक्टूबर 1963, रिकॉर्ड चला है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे। बाबा कहते हैं कि जैसे बाबा के नोट्स लेते हो ना, वैसे जब कोई गीत बजता है तो नीचे लिखते जाओ और उनका अर्थ भी लिखते जाओ। अर्थ क्यों नहीं लिखेंगे? फिर बाबा कोई कोई से पूछेंगे, तुमने इस गीत का अर्थ क्या लिखा? ओ दूर का मुसाफिर कौन है? क्या कोई इस जगत से आया हुआ है या लंदन से आया हुआ है? देखो ये स्कूल है, ये कोई वो सत्संग नहीं है इसको गांतु कहा जाता है। तो इन गीतों का अर्थ लिखते जाओ, मैं कोई से भी इनका अर्थ पूछूंगा तो याद रख लेना, अभी रोज ऐसे करूंगा। फिर रिकॉर्ड बजा, हमें मौत भी न आई ओ दूर के मुसाफिर। अब दूर के मुसाफिर का नाम लिखो, फिर रिकॉर्ड बजा, तूने वो दिया गम बेमौत मर गए हम। तो बेमौत मर गए हम इसका अर्थ लिखो, फिर रिकॉर्ड चला, ले चल हमें यहां से, किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। अब कौन सी दुनिया चाहते हो? जो बोलते हो इस दुनिया से हमको ले चलो, किस दुनिया में जाना चाहते हो? जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो या जा रहे हो? फिर रिकॉर्ड चला, सुनी है दिल की राय है, खामोश है निगाहें हैं, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा। अब अर्थ लिखो, नाकाम हसरतों का उठने है जिनका जना किनका नजारा जनाजा। हसरत किसको कहा जाता है, जनाजा किसको कहा जाता है? जनाजा मुर्दे को कहा जाता है। तो कहां मरे पड़े हैं? फिर रिकॉर्ड चला, चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले। अब अर्थ लिखो,
बर्बादियां किसको कहा जाता है? कोई बच्चों ने कहा गीत ही नहीं सुनते हैं, फिर रिकॉर्ड चला, चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले, देखो मीठे बच्चे दूर का मुसाफिर है, शिव भगवान वाच कहेंगे, ये शिव दूर के मुसाफिर है ना, बहुत दूर का मुसाफिर है, तो सबसे दूर का मुसाफिर है शिव बाबा। फिर उनसे कम मुसाफिर है ब्रह्मा विष्णु और शंकर, और उनसे कम है फिर ये मनुष्य सृष्टि। इस मनुष्य सृष्टि से दूर है सूक्ष्म वतन, जहां से ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, और उनसे दूर है परमपिता परमात्मा। परमपिता परमात्मा माना परमात्मा, वो दूर रहते हैं, उनको शरीर वगैरह याद तो करते हैं, परंतु उनको जानते कोई नहीं है, फिर याद क्यों करते हैं? याद करेंगे तो क्या हमको बुलाएगा या खुद आएगा? इन बातों का कोई को पता नहीं है, याद तो सब करते हैं, सभी भक्त याद करते हैं, किसको याद करते हैं? दूर के मुसाफिर को। वो है कौन? वो परमपिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला है, जिस परम धाम से हम उनके बच्चे आत्माएं यहाँ इस मनुष्य सृष्टि में कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने आए हैं। ये नाटक है ना, तो नाटक में पार्ट बजाना होता है, इसको सृष्टि का ड्रामा भी कहा जाता है, क्योंकि चक्कर लगता जाता है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर संगम युग फिर सतयुग त्रेता। सतयुग आदि है भी सत्य और होशी भी सत्य, यानी फिर से ये फिरता रहेगा, इसको ही चक्कर कहा जाता है। तो बाप आते हैं, उनको बुलाया जाता है, सब भक्त बाप को बुलाते हैं, उन भक्तों को ये मालूम नहीं है कि बाप एक होता है, अनेक भक्त अनेकों मनुष्यों की देवताओं की बित्तर की ठिक्कर की कच्छ मच्छ की फलाने की सबको भगवान समझ करके फिर अपने को भी भगवान समझ करके पूजा करते हैं। भला बित्तर ठिक्कर की पूजा क्यों करनी चाहिए? वो भी नहीं समझते हैं। क्या है इसमें समझने की बात? जो भीतर था दीवाल की तरह ज्ञान मार्ग में खड़े हो जाते हैं, या तो ठिककर मिट्टी के ढेले की तरह टूटने वाले हैं, उन्होंने भी कोई समय पवित्रता को धारण किया है, उनके इस पवित्रता के पुरुषार्थ की पूजा होती है।
अभी बाप समझाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं कि ये कलयुगी मनुष्य सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र कैसे मूर्ख बुद्धिहीन बेसमझ बने हुए, कुछ भी समझते नहीं है। और समझ में तो ये आता है कि ये बेसमझ कोई काम के नहीं रहते। देखो अभी भारत कोई काम का नहीं रहा है, कौड़ी तुल्य बन गया है, वैश्यालय बन गया है। इसको ऐसे भी कहा जाता है नरक बन गया, जहां काम है, क्रोध, लोभ, मोह है, माया का राज्य है, उनको नरक कहा जाता है। ऐसे तो नहीं इसे स्वर्ग कहेंगे, या उनको नरक कहेंगे। स्वर्ग में ये रहते हैं देवताएं, ये बाप के बच्चे हैं ना, जैसे लक्ष्मी और नारायण, इनको सतयुग में राज्य कहां से मिला होगा। ये स्वर्ग है ना, तो स्वर्ग का रचयिता कौन है। स्वर्ग नाम ही रखा गया है, जहां स्वयं स्थिति में चले जाते हैं, तो उस स्वर्ग का रचयिता कौन हो सकता है। वो ही स्वर्ग का रचयिता हो सकता है जो सदैव स्वयं स्थिति में रहता हो। तो जरूर कहेंगे गॉड फादर यानी परमपिता, तो जरूर इनको परमपिता से वर्षा मिला हुआ है। तो कैसे इनको वर्षा मिला था, अब वो वर्षा तुमको सबको दिया है। वर्षा मिला 84 जन्म फिर चक्कर लगाया, अभी फिर से वर्षा ले रही है। अभी ये देवता है नहीं, परंतु इस समय में ये चैतन्य में है, बाकी इनके सिर्फ यादगार मंदिर हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर है, ये जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं वो कहाँ हैं। जरूर वो और उनका कुल जो भी है कुल, वो 84 जन्म भोग करके अभी उनका पिछाड़ी का जन्म होगा। 26 अक्टूबर 1963 की वाणी का दूसरा पेज, पिछाड़ी का जन्म होगा, गिरा हुआ जन्म होगा, इसलिए इनको उठाया जाता है। कुल अर्थात डायनेस्टी, ये फिर कहते हैं हम आ रहे हैं। इनके बदले में बाप समझाते रहते हैं बच्चे, इनकी आत्माएं जो यहां भारत में राज्य करके गई हैं, उन्होंने 84 जन्म लेना था, जरूर लेना था। सबसे जास्ती जन्म उनके होते हैं, इनका अभी अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म में जबकि ये साधारण वृद्ध तन में आते हैं, फिर इनकी ही बातें करते हैं। समझने का अकल चाहिए ना, बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि 84वां इनका अंतिम जन्म है, क्योंकि ये सतयुग आदि में थे, अभी ये मधुबन में है ना। लक्ष्मी नारायण के मंदिर बहुत ढेर के ढेर हैं,
वो थे सतयुग में, फिर 84 जन्म भोगना है, 84 लाख नहीं, 84 जन्म भोग करके ये अंत के जन्म में है। अब ये फिर अपना राजयोग सीख रहे हैं, किससे सीख रहे हैं? इतना ऊंचा मर्तबा कौन दे सकता है? वही ज्ञान का सागर है, परम प्रिय परम पिता परमात्मा माना परमात्मा। अभी तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे? वो परम पिता परमात्मा दूर देश का मुसाफिर है। मुसाफिर कहा जाता है ना, क्योंकि पाठ बजाने वहां से हम मुसाफिर बन करके आए हैं। तो बाप भी आए हैं पाठ बजाने, सबसे दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए। अब पराए देश में क्यों आना पड़ता है? बोलते हैं ये जो स्वर्ग के मालिक लक्ष्मीनारायण थे, जो इस समय में अपनी सारी राजधानी सहित नरक के मालिक बने हैं, कोनों को फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने आता हूं। अब ये तो समझते हो, ये भी नहीं समझते हो। जो नए आए हैं वो नहीं समझ सकेंगे। यहां कोई रामायण गीता या भागवत आदि की झूठी कथाएं नहीं सुनाई जाती हैं, वो तो झूठी कथाएं हैं। सुनते सुनते जितना सुनते आते हैं, इतना झूठी माया झूठी काया झूठा सारा संसार बनता आया। अभी ऐसा तो कोई नहीं है जो तुमको समझाने वाला हो कि लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए, 5000 वर्ष पहले इनका भारत में राज्य था। माना ये राजा रानी भी थे और इनकी बहुत डायनेस्टी प्रिंस प्रिंसेस भी थे। राजधानी थी जैसे लंदन में, कहते हैं ना एडवर्ड द फर्स्ट सेकेंड, तो जरूर उनके प्रिंस प्रिंसेस राजधानी होगी ना। तो ऐसे ये भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट ये थे, फिर उनकी डायनेस्टी चली। लक्ष्मी नारायण दी सेकेंड थर्ड फोर्थ, पीछे उनके बाद आए रामचंद्र सीता। राम का राज्य चला था ना, ये बात भूल तो नहीं गए हो? देखो हम क्या कहता हूं, नॉलेज देता हूं। अभी डाउन टू अर्थ का अर्थ बताओ। जो डाउन टू डस्क जानते हैं वो हाथ उठाओ। ये याद रखना, ये समझाने की बड़ी बातें हैं। डाउन किसको कहा जाता है? किसी ने कहा जानना? अरे बुद्धू, अंग्रेजी तुम नहीं पढ़े हो तो ये बच्चों, ए ऑफिसर, डान माना, किसी ने जवाब दिया, सूर्योदय का जब सुबह होता है तो उसको डान कहा जाता है। डान माना सुबह और डस्क माना रात। अब इतना भी नहीं समझते हो? किसी ने कहा ब्रह्मा बाबा की रात्रि और सुबह का संगम काल
ये दिन और रात है। अभी रात तो वो है संगम के काल में। बाबा पूछते हैं कि तुम बच्चे अभी कहां हो, डान में हो या डस्क में हो। ये प्रश्न बड़े गंभीर हैं। बाबा पूछते हैं कि डान के समय में हो या डस्क के समय में हो, कहां हो? है डस्क के टाइम में हो। क्यों? क्योंकि अब एक ज्ञान सूर्य का उदय नहीं हुआ है। तो सभी ये बात फट से लिखो। या बहुत दिन ऐसे ही सुना, कान से निकाला और बाहर जाकर के फेंक दिया। अभी तुम्हारा प्रश्न उत्तर रोज पूछेंगे। सब कोई जानते हैं कि सुबह को डान कहा जाता है, शाम को रात डस्क कहा जाता है। बाबा पूछ रहे हैं तुम्हारा डान एंड डस्क क्या है, क्या है? ज्ञान का दिन डान है और अज्ञान की रात डस्क है। तो अभी तुम कहां हो, डान पर हो या डस्क पर हो, सुबह पर हो या रात पर हो, कहां हो बोलो। अभी बच्चों को समझाया है, ये कौन समझा रहे थे? कोई साधु संत महात्मा थोड़े ही समझा सकते हैं। ये तो मालिक है ना, जो इनको राज्य दे रहे हैं, इनको फिर से राज्य दे रहे हैं। वो ही तो कहेंगे ना, दूसरा तो कोई का काम नहीं है, कोई का नाम भी नहीं है। बाप कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण राज्य घुमाए बैठे हैं। तो अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा ये सुन रहे हैं। ये दोनों लक्ष्मी नारायण बहुत जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में हैं। दोनों लक्ष्मी नारायण कौन है? और वानप्रस्थ अवस्था में हैं। ये डान में थे और अभी डस्क में हैं। तो जास्ती नहीं बताता हूं कि कहां हैं, क्योंकि ये तुमको लिखना है। ये भारत के मालिक थे, अभी नहीं है। जब ये भारत के मालिक थे तब भारत को स्वर्ग कहा जाता था। हीरे तुल्य कहा जाता था। इस भारत को बैकुंठ कहा जाता था। 26 अक्टूबर 1963 की वाणी का तीसरा पेज। ये छोटेपन में राधा कृष्ण थे। नए नए बच्चों को ये मालूम नहीं होता है कि राधे कृष्ण छोटे बच्चे थे और फिर स्वयंवर रचा, पीछे लक्ष्मी नारायण का राज्य पड़ा। ये सतयुग के विश्व महाराजन और विश्व महारानी थे। विश्व का महाराजा महारानी इनके बगैर कोई भी नहीं बन सकता। मनुष्य तो बन ही नहीं सकते, ये देवी देवता कहे जाते हैं, क्योंकि आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ये मालिक थे, यानी विश्व के महाराजन विश्व की महारानी थी। अभी नहीं है, कहां है? अभी अपना
84 जन्म पूरा करके अंतिम जन्म में है और अंतिम जन्म के भी वानप्रस्थ में है। ये वानप्रस्थ में है और ये जवान है। किसके लिए बोला है? वानप्रस्थ में कौन है? ब्रह्मा के लिए बोला ये वानप्रस्थ में है, है? ब्रह्मा के लिए बोला ये वानप्रस्थ में है और ये जवान है। कौन? 63 की वाणी है। राम वाली आत्मा की तरफ इशारा किया। बाबा इमर्ज करके भी बोलते हैं। अभी ये बात सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। नए बच्चे तो ये बात नहीं समझ सकेंगे। इसमें भी जो बिल्कुल ही मस्त होंगे, होशियार होंगे, जिनकी बुद्धि में रात दिन डॉन एंड डस्क एंड डॉन अंदर में चलता रहेगा, सुबह और शाम चक्कर फिरता होगा ना, क्योंकि सुबह से शाम तक का चक्कर होता है, उसको कहा जाता है 84 का चक्कर। तो ये 84 का चक्कर पूरा करके अभी ये वानप्रस्थ अवस्था में है और ये जो वानप्रस्थ अवस्था वाला है उनकी ये बेटी भी है, ये भी जवान है। ब्रह्मा मुखवंशावली सरस्वती, उनको जगदम्बा कहा जाता है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाने वाली ये अम्बा है ना, तुम्हारी मम्मी। फिर वो मम्मी कहो या इसको मम्मी कहो, ये तो तुम्हारी बुद्धि की बात है। वो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है। किस द्वारा? वो थोड़े ही सभी की मनोकामनाएं पूरी करेगी? नहीं, उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, ऐसे बन रही है। किस द्वारा? बाप द्वारा, बेहद के बाप द्वारा। यह है बेहद का राज और भाग। सत्यु के आदि में लक्ष्मी और नारायण, उनको इतना बड़ा राज और भाग किसने दिया? जबकि अभी कलयुग है, कलयुग में तो राज भाग कोई को है ही नहीं। हीरे जवाहरात मोती सोने के महल, वो महल वहल तो कुछ भी नहीं है। कहां 9 कैरेट और कहां 24 कैरेट। अभी तो कैरेट की ही बात निकलती है। इस समय कलयुग की ऐसी हालत है और सतयुग की आदि होती है, उसमें इनको ऐसा राज्य कैसे दिलाई दिया? ये कब आया? हेवन का स्थापन करने वाला गॉड फादर बना साहब का बाप, उसका जो बाप है वो रचयिता है। वो साहब का बाप है, वो होता है रचयिता नई दुनिया स्वर्ग का। तो स्वर्ग में है इनका राज्य, तो जरूर उन्होंने उस बाप से राज्य लिया था। अभी नहीं है, फिर से ले रहे हैं।
तो वो राज्य देने वाला कहाँ है? यहाँ मौजूद है? कहाँ मौजूद है? है इस दुनिया में ही मौजूद है। ये नालिस तो बाप बगैर कोई नहीं सुना सकता। तुमको चित्र इसलिए बनवाए कर देते हैं कि बच्चे इनको संभाल कर रखो। ये चित्र कैसा सीधा साधा, बिल्कुल एक्यूरेट। बोन शिव बाबा निराकार ऊंचे थे ऊंचा गाया जाता है। क्या कहा? शिव बाबा किसे कहा जाता है? साकार निराकार के मेल को कहा जाता है। फिर यहाँ शिव बाबा को निराकार क्यों कह दिया? हाँ, वो शिव बाबा ये नहीं कहा, मना वो कह के दूर क्यों कर दिया? है जो आने वाले भविष्य में डान में प्रत्यक्ष होने वाला है, तो महिमा है ऊंचे थे ऊंचा भगवंत। जरूर जो ऊंचे थे ऊंचा होगा उनकी महिमा बहुत अच्छी होगी। उनकी तो महिमा है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सब का सागर परमपिता है। ये महिमा किस समय की है? डान की है या डस की है? जब उनकी प्रत्यक्षता होती है तब ये महिमा होती है। परमपिता माना परमात्मा, माना परमात्मा, परम धाम में रहने वाली आत्मा। इसको कोई भी परमात्मा नहीं कहेंगे। किसको? है इसको? हा, कोई भी परमात्मा नहीं कहेंगे। भले ये भी परम धाम की रहने वाली है, परंतु अभी थोड़े ही परम धाम में रहने वाली है। अभी यहां है और एकदम पतित है। तो फिर पतित को पावन करने वाला कौन हुआ? ये हुआ। देखो ऐसा पावन तुम बन रहे हो। मनुष्य पावन का अर्थ भी नहीं समझते हैं। पावन दुनिया, पतित दुनिया। अभी पतित दुनिया है ना, कल होगी पावन दुनिया, क्योंकि बाप इस पतित दुनिया को पावन बनाए रहे हैं। वो पावन दुनिया में रहने वाले हैं, तो रहने वालों को अभी पतितों को राजयोग सिखलाए रहे हैं। और बहुत सहज सिर्फ क्या कहते हैं कि बच्चे अभी तुम सब का मौत है, तो मुझे याद करो और मेरे वर्षे को याद करो, इन्हें लक्ष्मी नारायण को याद करो। मन मना भव माध्य आदि भव का अर्थ भी ऐसे ही है। शिव बाबा को, परमपिता परमात्मा बाप को याद करो। वहां याद करो जहां से तुम आए हो। अभी जो रावण के दो रूप हैं, पांच विकार स्त्री के, पांच पुरुष के, तो ये रावण हुआ। तुम अभी रावण के जोड़े हो, पीछे तुम दैवी जोड़े जन बनते हो।
कैसे? तुम अभी रावण के जोड़े कैसे हो गए? तुम किसको बोला है? तुम अभी रावण के जोड़े हो, तुम किसको बोला? त्रिसठ में कोई बैठ करके पढ़ाई पढ़ते थे जो रावण कहे जाए? बाप तो इमर्ज करके बोलते हैं ना, राम को ही इमर्ज करके बोला, बोला कि तुम्हारे में पांच भूत भी है और तुम्हारे में पांच प्रकृति के तत्व भी हैं। आत्मा में पांच भूत हैं, शरीर में पांच तत्व हैं। तो तुम्हारी आत्मा और पांच तत्व, ये जगत पिता जगदम्बा का जोड़ा है जो अभी रावण के जोड़े हो गए। पीछे तुम देवी जोड़े बनते हो, अभी दुखी हो बरोबर और सभी शोक वाटिका में है। तुम समझते हो जो भी है यहां बड़े से बड़े होते हैं वो जास्ती शोक में रहते हैं। सबसे जास्ती शोक में रहता होगा राधा कृष्णन प्रेसिडेंट, और उनसे कम फिर रहता होगा ये प्राइम मिनिस्टर नेहरू। चीनी लोग आएंगे, मारेंगे, यह करेंगे, ऐसे करेंगे, अगर लड़ाई होगी तो नींद भी फिट जाएगी। किसकी? राधा कृष्णन प्रेसिडेंट की और हैं प्रधानमंत्री की। बेहद में कौन हुए? प्रेसिडेंट शिव बाबा और प्राइम मिनिस्टर ब्रह्मा बाबा। क्योंकि फिर तरस आना चाहिए कि हमारी प्रजा मरेगी, हमारे जवान मरेंगे, ये होगा वो होगा। लड़ाई में मरते तो बहुत है ना। तो देखो सभी फिक्र में हैं, और तुम जो सच्चे सच्चे पक्के पक्के बच्चे हो वो फखुर में रहते हो। भले ये लड़ाइयां तो लगनी है और ये लड़ाइयां तो हमारे लिए लग रही है, क्योंकि जब ये पतित दुनिया विनाश हो, ये बंदरों की दुनिया विनाश हो, तब ही स्वर्ग स्थापन होगा, तब ही स्वर्ग की प्रत्यक्षता होगी। तो ये सभी बंदर सेना है, बंदर बंदरियां हैं, बंदर बंदरियां कहो, द्रौपदी दुर्योधन का दुर्योधन कहो, हरेक द्रौपदी और हरेक दुर्योधन है, क्योंकि सबको नगन करते हैं। तो द्रौपदियां भी बहुत हो गई, द्रौपदियां हुई भक्त। वो द्रौपदियां किसको याद करती हैं? भगवान को। क्यों याद करती है? हमको स्वर्ग में ले चलो,
क्योंकि यहाँ वहाँ कोई भी विख नहीं पीता है। ये सीधी बात है। सभी भगत कहते हैं या कोई एक द्रौपदी कहती है कि मेरा चीर बढ़ाओ, मेरे को नग्न होने से बचाओ। नहीं, एक द्रौपदी की बात नहीं है, सारी दुनिया में ये सब द्रौपदियां नग्न जरूर होती है। फिर तो दुर्योधन जरूर चाहिए। इस समय में ये है द्रौपदी और दुर्योधनों की दुनिया। बाप आकर के सबको नग्न होने से बचाते हैं। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई भी नग्न नहीं होता है, परंतु अभी ये बातें कोई मानेगा नहीं। बोलते हैं अगर नग्न होने से, परंतु ये कैसे होगा? हाँ, माया तो होती नहीं है। तुम कहते हो ना सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक निर्विकारी, तो फिर उसमें निर्विकार कहां से आ गए? वह होगा कोई विकार? अभी ये तुम बच्चे मानेंगे और दुनिया में कोई नहीं मानेंगे, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम इस सृष्टि के नहीं हो। कौन सी सृष्टि के हैं? ये कलयुगी सृष्टि के नहीं हो, तुम सतयुगी बनते हो। तो तुम अभी कहां हो? तुम डान एंड डस्क के बीच में हो। अभी समझा? लिखा है तुम बच्चों ने, अभी हम डस्क से डान की तरफ जा रहे हैं। बाकी थोड़ा समय है। डान कहा जाता है स्वर्ग को और डस्क कहा जाता है नरक को। डस्क कहो, डस्ट कहो, धूल कहो, एकदम धूल। और धूल में रेत होती है ना, तो खोदरे के बच्चे खोदरे, ये अक्षर कभी सुना है? कहते हैं सौ सौ करो श्रृंगार, तब भी खोदरे का बच्चा खोदरा। तो ये सभी यहां की बात है। इनको ऐसा बनाने के लिए हम आकर के ज्ञान से श्रृंगारते हैं, पवित्र बनाते हैं। देखो कितना श्रृंगारी बनाते हैं। हम उनको श्रृंगारी बनावे, पीछे माया उनको जट पकड़ करके खोदरे का बच्चा खोदरा बना ले भी। फिर विकार में चले जाते हैं। तो मैं कभी कभी ऐसे कोई कोई को लिखता भी हूं, अरे तुम्हें इतना ज्ञान से श्रृंगार रहा हूं, फिर भी तुम ये विकार में चले जाते हो और काम क्रोध में वशीभूत हो जाते हो। उसमें भी काम बहुत है। तुमसे कोई खोदरे का बच्चा खोदरा देखने में आता है, सुधरते ही नहीं है, इतना श्रृंगारते हैं, फिर भी तुम करके बिगड़ते ही जाते हो। हम लिखते हैं
तो उनको बड़ी कड़ी डोज लग जाती है, ये डोज भी देनी पड़ती है। कोई कोई को कड़ा डोज देना पड़ता है, नहीं तो ये डोज तो बहुत मीठा है और वो कड़ा भी मीठा ही मीठा है। इन गीत का अर्थ तुम समझ गए हो, जो पिछाड़ी की हजरत है ये किसको कहा जाता है, जो धर्म की स्थापना करने आते हैं उनको हजरत कहो, पैगंबर कहो, मैसेंजर कहो, जो वो जो जो धर्म स्थापन करते हैं उनको कहा जाता है। जैसे सिख धर्म स्थापन हुआ, बुद्ध धर्म स्थापन हुआ, क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ, ये परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवी देवता और क्षत्रिय धर्म तीन धर्म स्थापन किए, परंतु अभी वो सभी कहाँ हैं? उनका धर्म स्थापक कहाँ है और उनके जो भी फॉलोअर्स व प्रजा कहो कहाँ हैं? वो सभी नरकवासी हैं, कब्र दाखिल हैं, कब्र दाखिल हैं, फिर आते हैं आकर के उनको जगाते। तो कब्र दाखिल कैसे हैं? उन देवी देवताओं की प्रजा कैसे कब्र दाखिल है? हाँ, कब्र में मिट्टी होती है, मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, ये देह अभिमानी की मिट्टी है जिसमें सभी आत्माएं दाखिल हो गई है। तो बाप आकर सबको जगाते हैं, बरोबर सभी जो पैगंबर हैं वो जो कहते हैं बुद्ध निर्वाण धाम में चला गया, क्राइस्ट चला गया, या गुरु नानक चला गया, शंकराचार्य गया, नहीं, ये शंकराचार्य आदि सब यहाँ कब्र दाखिल है। यानी अपने सभी प्रजा सहित पतित दुनिया में नरकवासी हैं। शंकराचार्य के जो भी सन्यासी फॉलोअर हैं अभी सभी नरकवासी हैं। तो अभी कोई स्वर्ग है क्या? सब नरकवासी। वो लक्ष्मी नारायण भी स्वर्ग नरकवासी हैं। अभी बताओ ये नरकवासी किसको कैसे स्वर्गवासी बनाएंगे, कैसे मुक्ति देंगे? नरकवासी मनुष्य, वो मनुष्य कभी किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकते, शांति और सुख दे ही नहीं सकते। मनुष्य कहते हैं हम सन्यासी के पास जाते हमको शांति मिलती है, दुआएं मिलती हैं, हमको अच्छाइयां मिलती हैं। अब शांति देने वाला तो एक ही है, शांति कहो, सुख कहो, गति सदगति कहो, मुक्ति जीवन मुक्ति कहो, देने वाला तो एक ही है, वो सदगति दाता एक ही सदगुरु है, बाकी तो सब गुरु हैं। ये गुरु सब हैं डुबोने वाले, एक सदगुरु द्वारा ही उद्धार होता है साहब का। फिर उस सदगुरु को राम भी नहीं कहना चाहिए, भले राम कहो परंतु असुल नाम है परमपिता परमात्मा, माना परमात्मा, तो परमात्मा नाम जरूर चाहिए।
नहीं तो मनुष्य मुझ जाएंगे। इसलिए शिव नाम रखा हुआ है। असल नाम पक्का पक्का शिव है, पीछे नाम पड़ा है रुद्र, क्योंकि ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तो पहले नाम कहां की बात और जो रुद्र नाम पड़ा वो कहां की बात? रुद्र नाम तब पड़ता है जब साकार में प्रवेश करते हैं, स्थापना के साथ ही साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित कर देते हैं, तो रुद्र नाम पड़ता है रौद्र रूप धारण करने वाला। इस समय में उनको रुद्र भी कहा जाता है। उनको क्यों कहा? इनको माने ब्रह्मा को नहीं कहा जाता। किसको कहा जाता? उनको जो भविष्य में पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, ये विनाश ज्वाला है सबके मरने के लिए। अभी कितना अच्छी तरह से बच्चों को समझाते हैं। अच्छा, ओम शांति।